अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो दिस इज़ योर जर्नल नॉलेज क्लास। ओके, वी हैव लर्निंग अबाउट द नेचर, है ना? हम नेचर के बारे में जान रहे हैं। वी हैव लर्न अबाउट द माउंटेन्स, सन, मून एंड स्टार्स। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फ्लावर्स, सम important thing of the flower। ठीक है, okay, I have a flower here, you can see। ठीक है, so this is the flower, this is leaf, stem, you can see। it has red color, red color of the petal, ये petals हैं। green color of the leaf, you can see, and green color of the stem। ठीक है, also, so अब हमें करना क्या है? This is flower, flower, इसका जो नाम है, its name is rose, red rose, rose। ठीक है, so now we have to color in the book। ठीक है, हमें अब जल्दी से अपनी बुक खोलनी है और उसमें कलर करना है फ्लावर में। लेकिन टीचर एक चीज़ आपको बताएंगी कलर करने से पहले कि हमारी इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ रेड फ्लावर नहीं है। यहाँ पर येलो फ्लावर हैं, ऑरेंज फ्लावर हैं, पिंक फ्लावर हैं, ब्लू फ्लावर भी हैं। ठीक है, बहुत सारे कलर के हमारे पास फ्लावर्स हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। लेकिन आज टुडे वी आर गोइंग टू डू रेड कलर इन आर बुक। ठीक है, सो लेट्स कम। ओके, सो हियर आर आवर फ्लावर, यू कैन सी द फ्लावर, वी विल डू द कलर इन इट। I will take red color for the petals। सो टीचर ने रेड कलर लिया है फ्लावर्स के पेटल्स के लिए। ठीक है, मैं स्टेम में ब्राउन कलर करूँगी। नाउ आई एम टेकिंग ग्रीन कलर फॉर द लीव। जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन होते हैं ना, टीचर ने आपको पहले भी बताया था वेरी स्टार्टिंग। सो आर फ्लावर इज रेडी। आपने भी इसी तरह नीट एंड क्लीन काम करना है। ठीक है, तो टीचर आपको नेक्स्ट क्लास में ट्री में कलर करके दिखाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।